नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए, ये 3-ply की ऊन ली है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये, और 11 नंबर की सलाइयां, फंदे इसमें हमने डाले हैं 24 फंदे डाले हैं। 4 सलाइयों को हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, 4 सलाइयां उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। 4 सलाइयां बुन के कंप्लीट कर ली, ये 2 रो हमारी उल्टी उल्टी हो गई और 4 सलाइयां। अब हमको सीधी बुननी है, एक सलाई हम सीधी बुनेंगे, इधर से हम सीधा बुनेंगे और उधर से उल्टा बुनेंगे। सभी फंदे इधर से सीधे और उधर से सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए, 2 सलाइयां एक सीधी और एक उल्टी बुन के कंप्लीट हो गई। अब हम 2 सलाइयां उल्टी उल्टी बुनेंगे। जैसे हमने ये 4 सलाइयां उल्टी उल्टी बुनी थी 2 रो, अब हम एक रो बनाकर तैयार करेंगे। 2 सलाइयां और 1 रो, सभी फंदे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1 रो और 2 सलाइयां उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। अब जैसे हमने यह नीचे बुना था, एक सलाई सीधी और एक उल्टी, इसी तरह से हम एक सलाई सीधी और एक उल्टी बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए, 2 सलाइयां एक सीधी और एक उल्टी बुन करके कंप्लीट हो गई। अब हमें 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। एक, 2, 3, 4, 4 फंदे हमने उल्टे बुने और यहां पर 2 का 1 करेंगे उल्टे फंदे लेते हुए। देखिए, 2 का 1 कर लिया, फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे बुने और फिर हमें यहां पर ये 2 का 1 करना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। 1, 2, सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, 4 फंदे उल्टे और 2 का 1। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए, यहां पर फिर हमें यहां 2 का 1 करना है। ये हमने 2 का 1 किया और अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे उल्टे बुने और यहां पर ये 2 का 1 करना है। 1 कर लिया, 1, 2, 3, फिर 2 का 1। देखिए, 2 का 1 किया, 3 फंदे उल्टे, 2, 3, फिर 2 का 1 और 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 1 हमारा बचा, तो इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए, यहां पे हमें 2 फंदे, अब हमें 3 फंदे जो उल्टे बुन रहे थे, अब हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2, ये 2 फंदे उल्टे बुने, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, अब हमें 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे और ये 2 का 1, 2 का 1 कर लिया, 1 फंदा उल्टा। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। अभी हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और ये 2 फंदों का हम 1 करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1 फंदा उल्टा बुना और 2 का 1 किया। अब हम सीधी सिलाई पर हैं, अब हमें 2 का 1 2 का 1 करना है। देखिए, 2 फंदों का 1 किया, फिर हम 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 का 1 2 का 1 हमको सभी फंदे कर लेने हैं। ये देखिए, अब हमारा इस तरह से ये बुन के तैयार हो गया। अब हमें सभी फंदे इसको सुई में लेंगे और इसको हम बंद करेंगे, इस तरह से इसको सुई में कर लेते हैं। हमारे इतने फंदे बचे, अब हमें सभी को बंद कर देना है। यहां पर हम सभी फंदे बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह से 2 का 1 करते जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, सभी फंदे बंद कर लिए। अब इसको हमें यहां से उनको हम थोड़ा सा हम रखेंगे सिलाई के लिए और कट कर देंगे। यहां से हमको कट कर देना है
और इसको हम निकाल देंगे। देखिए निकल आया और ये हमारी तैयार हो गई। तो इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। पहले हम इसकी कलगी बना लेते हैं, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए अब हम कलगी बनाएंगे, इसके लिए हमने 9 फंदे डाले हैं और सभी दो सिलाइयां हम उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। इधर से भी उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। दो सिलाइयां बना लेते हैं, एक रो और दो उल्टी सिलाइयां बुन करके कंप्लीट कर ली हमारी एक रो। अब हमें दो सिलाइयां सीधी और उल्टी बुननी है। एक सिलाई सीधी बुनेंगे और एक उल्टी बुनेंगे। पहले हम सीधी इधर से बुन लेते हैं सभी फंदे और उधर से हम उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए एक सीधी सिलाई और एक उल्टी बना करके हमने दो सिलाइयां कंप्लीट की। अब हम दो उल्टी सिलाइयां बुनेंगे और एक रो और दो उल्टी सिलाइयां। फिर हम इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि हमें आगे किस तरह से करना है। देखिए पहले हमने दो सिलाइयां ये उल्टी बुनी, फिर दो सिलाइयां एक सीधी और एक उल्टी, फिर दो उल्टी, फिर दो सिलाइयां एक सीधी उल्टी। इसी तरह से हमने बुनते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली। और हम 16 सिलाई पर है, 16वीं सिलाई पर। इस पे सभी फंदे हमको बंद कर देने हैं। ये हमारी बंद करके तैयार हो गई। दो का एक करते हुए हम सभी फंदे बंद कर लेंगे। देखिए सभी फंदे हमने यहां से बंद कर लिए। अब हम इसको यहां से कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया और हमें इसको देखिए इसको हम यहां से लेंगे, यहां से इसको लेंगे इस तरह से। इसको हम खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ से इसको गांठ लगा देंगे, इस तरह से घुमाएंगे इसको अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे इसको, इसको गांठ लगा के ये। दो बार इसमें इस तरह से करेंगे, इससे पक्की हो जाए हमारी गांठ। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहां पर धागा को काट देंगे। हमारी बनके तैयार हुई। अब हम कैप को सिलेंगे। यहां से हम देखिए यहां से नीचे से लेंगे इसको, यहां से इस तरह से। देखिए हमने इसको यहाँ तक लिया और इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको खींच लेना और दोबारा हम फिर इसी में से डालेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। और इसको हम तोड़ेंगे नहीं और इसको फिर हम यहाँ से इसमें भी हमें उसी तरह से करना है। इसको हम खींचेंगे इस तरह से, टाइट खींचेंगे और इसकी शेप जो है एक्स्ट्रा धागा जो नीचे है इसको हम हटा देंगे। देखिए और फिर हम इसको एक बार फिर नीचे की तरफ लाएंगे। और यहां से हम इसको टाइट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये बन करके तैयार हो गई। और अब हमें इसको यहां पर
ये बीच में लगाना है। ये देखिए हमारी इस तरह तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागा हम इसको हटा देंगे। और इसको ये हमारी ये नीचे से यहाँ बीच में जो होल है इसमें से हम इसको डालेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से, और यहाँ पकड़ करके इसको यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर ये हमने इसको सेट कर लिया। अब ये नीचे की है इसको भी हमें इसे सेट कर देना है यहाँ पर इस तरह से। देखिए पगड़ी बनकर के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर इसको डेकोरेट कर देंगे। कान्हा जी की पगड़ी हमारी बनकर के तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, आप भी इसी तरह से बनाइए। ये 0 नंबर 1 2 नंबर तक के लिए है, आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।